यशोमती मैया के नंदलाला। लगता है तुम भूल गई हो, अश्विन पूर्णिमा आज ही है। रात हो चुकी है और थोड़ी ही देर में सभासद आने लगेंगे। ये सब अपने महाराज से मिलना चाहते हैं ना, तो आज ही नहीं इनके महाराज अवश्य मिलेंगे। सुनो, कुछ दीपदंड बुझा दो। महल में प्रकाश कम से कम होना चाहिए, विशेष रूप से महाराज के सिंहासन के चारों ओर। श्री हरि नारायण भगवान की। मैया, यहाँ तो पूरा गांव आयो है, मेरे मित्र भी आएंगे ना? पर देख लल्ला, अधिक दूर मत ही जाना। बस मैया, इतनी दूर ही जाऊंगा कि आपका कान मेरा स्वर सुन पाए और आप से मुझे देख पाए। मुझे पता है मैया। चाह चंद्रदेव पधार गए, चलो हम सब खीर का प्रसाद उनके प्रकाश में रख दे। हाँ, वहाँ क्या हो रही है? सब खीर को चंद्रमा के प्रकाश में रख रहे हैं। ऐसा क्यों? ताकि खीर प्रसाद और अधिक मीठी और पौष्टिक हो जाए। चंद्रदेव का स्वाद मीठा होता है क्या? हाँ। और गुड़ से भी अधिक मीठा। तभी सब रात में पंछी उठ के चंद्रदेव तक जाते हैं उनकी मिठास का स्वाद लेने। मैंने अपने झरोखे से देखो है। अब जे कान्हा कह रो है तो सत्य ही हो वो। लगता है हमारे साथ आज भी उपहास होने वाला है, आज भी महाराज कंस के दर्शन नहीं होंगे। ये अनुचित है, महारानी ने आश्वासन दिया था हमें। हाँ, बिना महाराज के दर्शन के कोई वापस नहीं लौटेगा। आज हम महाराज से मिलकर ही यहाँ से जाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि महाराज जीवित हैं या नहीं। हम महाराज से मिलकर ही जाएंगे। ताऊ, आपको पता है चंद्रदेव खीर को और मीठा कैसे बनाते हैं? तुम दोनों तो हमसे बड़े हो, तुम्हें पता है? मुझे केवल इतना पता है कि जब ये खीर खाने को मिलती है ना, तो बहुत स्वादिष्ट और मीठी भी लगती है। लग तो है, अब मुझे ही जाके पता करना पड़ेगा। समय आ गया है कि पता लगाया जाए। च
चंद्रदेव इस खीर को मीठा कैसे बनाते हैं? कान्हा वहाँ मत जाना, सुबह ही डांट पड़ी है, फिर से पड़ जाएगी। चिंता मत करो दाऊ, आप सब बस मेरे पीछे रहना। आज हम सब चंद्रदेव का रहस्य पता लगा के रहेंगे, क्यों मित्रों? ठीक है, मैं अकेले ही पता लगा लूंगा। केवल ऊपर से तो चंद्रदेव का प्रकाश आ रही है, कहिए कि इससे तो तुम मीठी ना हो रही। कान्हा क्या कर रहा है? देख रहा था चंद्रदेव का स्वाद मीठा है क्या, पर इसमें तो कोई स्वाद ही ना है। चलो ना मैया। जी क्या कह रहे हो लल्ला? मैया आप चल के देखो तो सही, चंद्रदेव को कुछ हो जाए ना। लल्ला चलो ना मैया। ये देखो मैया चंद्रदेव। आप सब हंस रहे क्यों हो? चंद्रदेव को बचाओ ना। कान्हा चंद्रदेव तो वहां है लल्ला, देख। वहां भी और यहाँ भी दो दो चंद्रदेव है क्या? ना लल्ला, चंद्रदेव तो एक ही है, पर जो तुझसे इतना प्रेम करते हैं ना, तो जब तू आकाश में देखते है तो तुझे दिखते हैं, और जब तू नीचे देखते है तो जल में भी दिखते हैं। प्रतिबिंब है लल्ला। हाँ मुझसे इतना प्रेम करते हैं ये, तो मैं इन्हें अपने हाथों में लेकर देखूंगा। हाथ में लेके? जे तो संभव ना है। जब ये इसमें समा सकते हैं तो मेरे हाथों में क्यों ना आ सकते? मुझे इन्हें छूना है मैया। ऐसा हट मत कर कान्हा। पर क्यों मैया? पर आप मुझे किसी बात के लिए मना ना करती, फिर अभी क्यों कर रही हो? क्या कह रहे हो कान्हा? देखो ना जी, चंद्रदेव चाहिए इसे, हाथ में पकड़ने की हट करके बैठो है। कान्हा भैया सही कह रही है, चंद्रदेव कोई हाथ में लेने की वस्तु ना है। मैया को जब मुझे इतनी छोटी सी इच्छा भी ना माननी तो मुझे यहाँ लाई क्यों? जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। लल्ला तुझे तो पता है ना, तेरी मैया तुझसे बात किए बिना एक क्षण भी ना रह सकती। मैं आपसे तभी बात करूंगो जब आप मुझे चंद्रदेव ला के दोगी, तब तक तो ना आपके पास आऊंगो और ना ही प्रसाद खाऊंगो। हाँ नहीं तो लल्ला। अब मैं इसे चंद्रदेव कहाँ से लाके दूं? प्राप्ति अब तुम क्या करोगी, कैसे मिलवाओगी इन सबको महाराज से? पूरा राज दरबार भरा हुआ है, सब महाराज की प्रतीक्षा में आतुर है, और कुछ सभा सदों को तो ये भी संदेह है कि स्वामी जीवित है भी या नहीं। तो फिर चलो मिलते हैं उनसे।
प्राप्ति, वो तुम्हारे नहीं महाराज के दर्शन करना चाहते हैं। मैंने कहा ना तुम्हें मेरे साथ चलो। छल है ये। हाँ हाँ छल है ये, हमें महाराज से मिलना है। आपने आश्वासन दिया था कि आज रात हम महाराज कंस से अवश्य मिल पाएंगे, तो कहाँ है वो? संभव को संभव कर दिया तुमने, किंतु कैसे प्राप्ति? मैंने कहा था ना, ये सब महाराज से मिलना चाहते हैं, तो इन्हें इनके महाराज अवश्य मिलेंगे। आप खड़े खड़े क्या देख रहे हो, कुछ सुझाव तो दो। अरे मैं क्या कहूँ, चंद्रदेव कोई गेंद थोड़ी ना जो उसके हाथ में लाकर थमा दूं। मुझे भी कछु सूझ ना रहो। चंद्रदेव कोई गेंद थोड़ी ना जो उसके हाथ में लाकर थमा दूं। हाथ में लाकर थमा दूं। मुझे भी कछु सूझ ना रहो। पर मुझे सूझ गयो और समझ में भी आ गयो कि मुझे क्या करना है। क्या करना है? कस्तूरी सुन, कान्हा मैया, जब तक आप मुझे चंद्रदेव नहीं दोगे मैं आपसे बात ना करूंगा। इसीलिए तो बुला रही हूँ लल्ला। आजा ले ले अपने चंद्रदेव। सच्ची में? आ लल्ला। चंद्रदेव चाहिए ना? चंद्रदेव को हाथ में पकड़ने के लिए तैयार है ना लल्ला? चले चंद्रदेव। जो सारे जग की लीलाओं का संचालन करते हैं उनकी मैया उन्हीं के साथ आज लीला कर रही है। कौन कौन चंद्रदेव? कौन कौन? देखो मेरे पास क्या है। पर चंद्रदेव तो चुप। मुंह मीठो करना है तो मुंह बंद करना होगा। आजा लला खा। ये सच्ची में चंद्रदेव है ना मैया? हाँ लला, पहले आसमान में सच्ची के चंद्रदेव, फिर इसमें और अब मेरे हाथ में। मैया मैं इनका साथ चख लूं। कान के गोले को तो चख ही सकते हो लल्ला। मैया ये तो सच्ची में बहुत मीठा है।
मैं अपने सखाओं को भी चखा दूं? अवश्य लल्ला, अपनी जो भी वस्तु होती है उसे दूसरों के साथ मिल बांट के ही उपयोग करना चाहिए। जा। आज तो खान की गेंद ने बचा लो, चले। महाराज कुछ बदले बदले से लग रहे हैं ना? संभव है कई वर्षों की तपस्या के कारण ऐसा लग रहा हो। अश्विन पूर्णिमा की रात जब सब लोग चंद्रदेव के दर्शन के लिए व्याकुल होते हैं, आप सब मेरे दर्शन के लिए तड़प रहे थे, और वो तड़प इतनी थी कि उसने मेरी तपस्या, वर्षों की तपस्या भंग कर दी। वैसे ये तपस्या मैं किसके लिए कर रहा था? आप सभी के लिए, ताकि आपके महाराज और शक्तिशाली हो जाएं और उस विष्णु अवतार का वध कर सकें। पर मेरी महारानियों ने मुझे बताया कि मेरा एक भक्त ऐसा भी है जो मुझसे मिलने के लिए इतना व्याकुल है कि उसके बारे में जानकर मेरे मन में उससे भेंट करने की इच्छा जाग उठी। और फिर क्या था, मैं अपनी वर्षों की तपस्या भंग करके यहां आ गया। मीठे और स्वादिष्ट थे चंद्रदेव, एक बार और मिल जाते तो अतिथि अंदर जा जाते। इसमें देखो चंद्रदेव है, मैया के हाथ में आ गए थे, तो मेरे हाथों में क्यों नहीं आ रहे हो? लल्ला जी, आओ ना मैया, ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या मुझसे न प्रेम नहीं है? चल 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 भीतर, सदानंद जी पाठ सुनाने वाले, तुझे जानना था ना अश्विन पूर्णिमा के बारे में। अश्विन पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा, इसका केवल इसलिए महत्व नहीं है कि अब वर्षा ऋतु का समापन हो रहा है, बल्कि इसका इसलिए महत्व है कि आज रात ही चंद्रदेव के प्रकाश में मैया लक्ष्मी धरती पर अवतरित हुई थी। अब मैया लक्ष्मी की पूजा करके उनके प्रिय खीर को प्रसाद के रूप में चढ़ाना है। मां लक्ष्मी अवतरित हुई धरा पर, प्रभु के दर्शन को आई,
पर देख चंद्र पर ध्यान प्रभु का। माँ अचरज से मुस्काई। अद्भुत प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए आई हूं और आप चंद्रदेव के दर्शन के लिए उत्साहित है, परंतु मुझे आपके दर्शन मिल गए मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। चंद्रदेव तो फिर से आ गए, तो वो क्या था जो मैंने चखा था? लक्ष्मी मैया की पूजा के पश्चात अब हम चंद्रदेव की पूजा करेंगे, ताकि वो खीर के प्रसाद पर अपना अमृत तत्व बरसाकर हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अब हम सब खड़े होकर चंद्रदेव के दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। अरे चंद्रदेव कहाँ गए? अभी तो यही आकाश में चमक रहे थे। सब यहाँ है तो काना कहाँ गए हो? दिख नहीं रहा है।